सो फ्रेंड्स, आज मैं लिविंग रूम का मेकओवर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटाकर क्लीनिंग और डस्टिंग कर ली है, और झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका है। तो आज करूँगी मैं कुछ DIY के साथ में इस लिविंग रूम का मेकओवर। तो चलिए, इस बार कैसे करती हूँ आगे आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो दोस्तों, इस रूम का मेकओवर करने से पहले चलिए तो बना लेते हैं कुछ DIY। तो यहाँ पर जो मैं पहला DIY बनाने जा रही हूँ, तो ये जो हमारे पास में स्टिक की ब्रूम रहती है, जो लकड़ियों वाली जो ब्रूम रहती है झाड़ू, तो ये उसमें की लकड़ियाँ हैं। तो अगर आप उसका हैंडल निकालेंगे तो उसमें से ढेर सारी ऐसी लकड़ियाँ मिल जाती है, कोई गोल रहती है, कुछ बैम्बू स्टिक्स भी रहती है उसमें। तो उसी में की ये लकड़ियाँ मैंने निकाल ली है, और इन्हीं स्टिक्स का यूज़ करते हुए मैं बनाऊँगी DIY। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक साइज़ की 8 लकड़ियाँ कट कर ली है, और लोगों को इसमें जूट रोप लगा देनी है। जूट रोप लगाने के बाद में देखिए, ऐसे मैंने इन्हें 8 लकड़ियों को रेडी कर लिया है। ये तैयार हो जाने के बाद में ये मेरे पास में कुछ स्टिक्स है, तो ये जनरल स्टोर रहता है, वहाँ पर मिल जाती है आसानी से। ये पैकेट मुझे 60 रुपीज़ का मिला था। तरीके से लगा देना है, और ये लग जाने के बाद में यहाँ पर मैंने ली है ये कंफर्ट की 2 खाली बॉटल, इसका यूज करेंगे हम। तो अभी सबसे पहले तो मैं इसका ऊपर का जो रैपर रहता है वो निकालूंगी, और जो इसके कैप है इन्हें भी मैं रख दूंगी, ये भी किसी ना किसी काम में आ ही जाएंगे। तो ये बॉटल बहुत ही दिखने में बहुत ही क्यूट और छोटी सी है, और इसे हम लोग डेकोरेट करेंगे जूट रोप से। आप यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जूट रोप को ऐसे ऊपर बॉटम में और टॉप में दोनों साइड में लगा देना है। आप चाहे तो पूरा जूट रोप से रैप कर सकते, और कोई डिज़ाइन या कलर नहीं करना है तो आप खाली जूट रोप से रैप करके भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए इसे ऊपर और नीचे साइड में थोड़ा सा जूट रोप लगाकर बीच में कलर कर दिया है। अभी इसे थोड़ा डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ पर बना लेंगे बो, और यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं छोटे डेकोरेटिव मिरर का, इससे थोड़ा हम लोग इसे डेकोरेटिव बना लेंगे। ये लग जाने के बाद में ये वुडन बीड्स है मेरे पास में, उन्हें भी मैंने लगा दिया है ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। और इसे हमें ग्लू गन की हेल्प से इसे हमें स्टिक कर देना है। ऐसे करके मैंने दोनों को रेडी कर दिया। इसके साइड में भी मैं थोड़े डेकोरेटिव मिरर्स लगा दूंगी। ये हो जाने के बाद में हमें बनाना है छोटा सा लूप ताकि हम इसे हैंग कर सके, उसे भी मैंने जूट रोप से बना लिया है। तो यहाँ पर बीच में बॉटल में थोड़ा सा खाली सा लग रहा था, तो मैंने इसे 3D लाइनर आउटलाइनर से एक फ्लावर बना दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ दिन पहले मैंने DIY बनाया था, उसमें से ये कुछ क्राफ्ट पेपर के पीसेस बच गए थे, तो उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। छोटे छोटे जो पीसेस रहते हैं उनका यूज़ करते हुए बनाएंगे हम लोग कुछ लीव्स। तो यहाँ पर मैंने क्राफ्ट पेपर का यूज़ किया है, और इसे हम लोग पत्तियों के शेप में कट कर लेंगे।
बस हमें ऐसे छोटी छोटी पत्तियाँ बनानी हैं और इसे फोल्ड कर लेना है ताकि ये प्रॉपर पत्ती का शेप ले ले। तो ऐसे करके मैंने ढेर सारी पत्तियाँ यहाँ पर बना ली हैं। अभी इसे मैं एक जूट रोप पर ऐसे स्टिक करते जाऊँगी ताकि ये एक वेल का शेप ले ले और इसे ये दिखने में बहुत ही प्यारी दिखती है। ऐसे हमें बस स्टिक करते जाना है और नीचे भी एक पत्ती लगा देंगे तो ये बन जाएगी एक वेल। ऐसे हमें चार वेले तैयार कर लेनी है। ऐसे मैंने चार जूट रोप रेडी कर ली है। पढ़ते हैं आगे। तो आगे ये स्टिक को मैं सबसे पहले तो कलर कर लूँगी क्योंकि मुझे फ्लावर बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लावर बनाने के लिए भी मैं वही ट्रिक का यूज़ कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पॉम पॉम फ्लावर, क्योंकि वो दिखने में क्यूट भी होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर भी दिखते हैं और बहुत आसानी से भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने वूल के 30 to 40 राउंड्स ले लिए हैं और इसे हमें ऐसे बांध कर बस कट कर देना है। हो गया, एक पॉम पॉम रेडी हो जाएगा। तो बस वही हमारा एक फ्लावर का काम करेगा। तो ये बन जाने के बाद में अभी हमें इसे स्टिक करना है। तो ग्लू गन की हेल्प से हम इसे इस सब स्टिक पर स्टिक कर देंगे। और इसमें भी हम लोग कुछ पत्तियां लगा देंगे। पहले तो मैंने दो ही पत्तियों को लगाया था लेकिन बाद में मैंने इसे तीन कर दिया है। ऊपर की साइड में भी एक पत्ती मैंने एक्स्ट्रा लगा दी थी। तो ऐसे हमें दो या तीन पत्तियों को लगाते हुए बस ये हमारे बहुत ही प्यारे और क्यूट फ्लावर रेडी हो जाएंगे। बढ़ते इसे कैसे वो करूँगी, मैं डेकोरेट करूँगी, आगे बताऊँगी आपको। बढ़ते हैं आगे के DIY की तरह। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी एक ग्लास की बॉटल ले ली है, इसे कलर कर दिया है दो कलर में। और अभी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं 3D आउटलाइनर का। 3D आउटलाइनर की हेल्प से मैं छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स बनाते जाऊंगी इस पोर्टल पर। तो ये थोड़ा सा खाली सा दिख रहा था तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ी डिजाइन बना दी है। बॉटल DIY में आप अपने हिसाब से, आप अपने मन से जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि बॉटल डेकोरेटिव DIY है जिससे आप अपने घर को आसानी से सजा सकते हैं और आप घर बैठे बैठे कोई भी चीज़ों का यूज करते हुए बॉटल DIY बना सकते हैं, डेकोरेटिव बॉटल्स बना सकते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाती है। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है बॉटल DIY, इसलिए हमेशा मैं एक एक तो भी बॉटल DIY आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेटिव मिरर्स लगा दिए हैं और जो ऊपर का साइड था वो थोड़ा सा ग्लास में ही थोड़ी डिज़ाइन उसमें बनी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी जो पॉसिबल हो सकता है वैसे डिज़ाइन मैं बनाते गई। और यहाँ पर थोड़े मैंने डेकोरेटिव मिरर के साथ में इसे डेकोरेट कर दिया है। तो ये बॉटल एकदम रेडी है। अब ये मेरे दोनों भी DIY रेडी है। बढ़ते हैं आगे अपने मेकओवर की तरफ। सबसे पहले लिविंग रूम में मैं कर्टन चेंज कर दे रही हूँ। कर्टन लगाने के लिए भी देखिए यहाँ पर मैंने तीन कर्टन का यूज़ किया है। तीनों कर्टन्स लग जाने के बाद में यहाँ पर एक लेस ले ली है और उसे यहाँ पर मैं लगा दूंगी ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे।
जाने के बाद में बारी आती है सोफ़ा कवर की। तो सोफ़ा कवर के लिए मैंने जो ये बहुत पहले DIY सोफ़ा कवर बनाया था, इसे लगा दूंगी। तो ये सोफ़ा कवर मैंने बेडशीट से बनाया है और बहुत पहले आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। और इस पर रख देंगे प्यारे से कुशन और सोफ़े के साइड में ये जो मेरे DIY वाज है उन्हें लगा देंगे। ये हो जाने के बाद में लगा देंगे कारपेट और अपना सेंटर टेबल रख देंगे। और इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी कर्टन। कर्टन लग जाने के बाद में ये मेरा DIY जो पॉट बनाया था उसे लगा देंगे। अभी बारी आती है ये कर्टन विंडो के साइड की जो वॉल है इसे डेकोरेट करने की। तो जो मैंने DIY जब आप लोगों के साथ में शेयर किए उन्हें यहाँ पर लगा दूंगी। तो इन्हें लगाने के लिए देखिए, पहले तो मैंने ये वेल जो हम लोगों ने जूट रोप की वेल बनाई है उसे लगा देंगे और को बाद में इन फ्लावर्स को लगा देंगे। तो ये दिखने में बहुत ही प्यारे दिख रहे थे, बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। तो विंडो के दोनों साइड में मैंने इन्हें लगा दिया है। और जो बेडरूम के वॉल शेल्व्स है तो इन्हें मैं यहाँ पर लगा दूंगी डोर के साइड में और इन्हें भी थोड़ा डेकोरेट कर लूंगी। अभी बारी आती है ये फ्रंट वॉल की। तो इसमें भी थोड़े चेंजेस करूँगी मैं। ऊपर के साइड में ये DIY बॉटल जो मैंने बनाई थी उन्हें लगा दूँगी और ये बाकी के DIY बॉटल्स भी इन्हें मैं यहाँ पर रख दूँगी। ये लग जाने के बाद में नीचे भी मैंने एक टेबल रख दिया है, उस पर भी मैंने कर्टन ही यूज़ किया है। कर्टन लग जाने के बाद में अपने कुछ DIY यहाँ पर लगा दूंगी। मैं जो TV की जो वॉल है वहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर लगा देंगे ये हैंगिंग प्लांटर जो बॉटल का DIY मैंने बनाया था बहुत पहले। तो और इसमें लगा देंगे मनी प्लांट। तो ऊपर के साइड में भी एक DIY मैं लगा दूंगी। तो लीजिए दोस्तों, कुछ चेंजेस के साथ में और कुछ DIYs के साथ में मेरा ये लिविंग रूम मेकओवर हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कुछ पिछले कुछ दिनों से मेरा ट्राईपॉड टूट गया है। तो मेरे वीडियोस थोड़े शेकी आ रहे हैं, थोड़े वीडियो मेरे शेकी आने की वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ।
फ्रेंड्स, ये जो आज मैंने लिविंग रूम मेकओवर किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने DIYs का यूज़ किया है। सारे ही मेरे DIYs है, मैंने DIYs का यूज करते हुए ही लिविंग रूम का मेकओवर किया है। अगर आप नहीं कोई पैसा खर्चा करना चाहते या आपको कोई भी पैसा खर्चा नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल भी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे बैठे बहुत सारी ऐसे DIYs बना सकते हैं, वो भी बेकार पड़ी चीज़ों से, और आप अपने घर को सजा भी सकते हैं। तो आज जो मैंने DIYs यूज़ किए हैं, वहाँ पर भी देखिए मैंने जो ये DIY बनाया है, वॉल हैंगिंग DIY, उसके लिए भी मैंने जो बेकार पड़ी झाड़ू रहती है उसी के स्टिक्स का यूज़ किया है। और जहाँ पर मैंने बीच में बैम्बू स्टिक का यूज़ किया है, वहाँ पर भी आप ब्रूम की लकड़ियों का यूज़ कर सकते हैं। और बेकार पड़ी चीज़ों से ही हम लोग अपने घर को सजा सकते हैं बिना किसी खर्चे के, और हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, और घर बैठे बैठे हमारी सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी और हमारा घर भी सुंदर दिखे। सो दोस्तों, ये था मेरा लिविंग रूम मेकओवर वीडियो, और आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ऐसे ही मेरे साथ में बने रहिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।